हेलो एवरीवन। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम 25 से 75 तक के स्क्वेयर्स माइंड में कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है। बहुत फोकस से देखना, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं क्या करता हूँ, 25 से 75 एक लाइन पे लिख देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहे। 25 to 75 तक के हमें स्क्वायर निकालने हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जब भी आप 25 से 75 के बीच में स्क्वायर निकाल रहे हो ना, आपने जिस नंबर का स्क्वायर निकालना है वो देखना है 50 से कितना ज्यादा है या 50 से कितना कम है। जैसे सपोज अगर मेरे को 52 का स्क्वायर निकालना है, तो बताइए 52 50 से कितना ज्यादा है। माइंड में आपने सोचना है तो 2 ज्यादा है। या 58 का स्क्वायर निकालना है तो माइंड में क्या सोचना है आपने, सर ये तो +8 ज्यादा है, ठीक है। या 63 का स्क्वायर सोचना है तो माइंड में क्या सोचना है, सर ये 50 से 2 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 50 से 63 13 ज्यादा है ना। इसी तरह से कोई नंबर अगर 50 से कम है, जैसे 44, 50 से कितना कम है बेटा, 6 कम है ना। और 48, 50 से कितना कम है, 2 कम है। 36, 50 से कितना कम है, 14 कम है। इस तरह से आपने माइंड में ये सब चीजें सोचनी है। कम ज्यादा किससे सोचना है, कम ज्यादा 50 से, ठीक है। चलो अब मैं इन नंबर्स के स्क्वायर आपको माइंड में निकाल के दिखाता हूं। सपोज आपको 52 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है जी। 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4। आपने जो भी स्क्वायर करके नंबर आएगा उसको 2 डिजिट में लिखना है। तो 4 को 2 डिजिट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 04, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, 2 डिजिट में लिखना। अगर सिंगल डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट में लिखने के लिए आपको 04 लिखना पड़ेगा। अगर 3 डिजिट का नंबर आया बाय चांस स्क्वायर करके, तो फिर आपको 2 डिजिट में लिख के एक कैरी लेना पड़ेगा। अभी समझाता हूँ वो वाला एग्जाम्पल, ठीक है। दोबारा से 52 का स्क्वायर निकालना था, 50 से कितना ज्यादा, 2, 2 का स्क्वायर 04। अच्छा 50 से 2 ज्यादा है तो ये आपको इस 25 में ऐड करना है, 25 + 2 27 हो गया, 2704। ये आपका आंसर हो गया। क्या कह रहा हूं, 50 से 2 ज्यादा है तो वो 2 25 में ऐड करना है, तो अगले 2 डिजिट आ जाएंगे, 2704। यही है ट्रिक। आओ 58 का स्क्वायर निकालते हैं। चलो बताओ क्या होना चाहिए 58 का स्क्वायर। 58 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। 8 ज्यादा है, अच्छा 2 ही प्लेसेस पे रखना है ना, 64 तो 2 ही डिजिट आ गए। 8 ज्यादा है तो 8 को किस में ऐड कर देना है, 25 में। 25 + 8 कितना हुआ बेटा, 33, 3364। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। एक और ले लूं आपके सामने, 54 का बताओ मुझे सभी बच्चे। अब 50 से कितना ज्यादा बेटा, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। और वो जो 4 आया ज्यादा उसको 25 में ऐड करना है, 2916। ये 54 का स्क्वायर हो गया। बोलो अब, चलो अब एक 63 का स्क्वायर निकालता हूं। अब आप गड़बड़ मत करना। 63 50 से बेटा कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, 13। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। अब 2 डिजिट पे रखना है 169 को, तो 69 लिख के 1 हम कैरी लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा 63 50 से 13 ज्यादा था तो 25 में क्या ऐड करना है, 13। 25 + 13 38, और ये बेटा 1 कैरी मत भूलना, 39 हो गया। एक और ले लूं एग्जांपल। आइए अगर मैं कहूं 64 का स्क्वायर, यहां पे लिखता हूं, अब माइंड में निकाल लिया बिना पेन पेपर के। 64 50 से 14 ज्यादा है, 14 का स्क्वायर 196, 96 लिखा, 1 कैरी आया, ठीक है। अब 25 में अगर मैं वो 14 ऐड करूं तो 25 + 14 39, और 1 कैरी भी लेना है, 4096 64 का स्क्वायर होता है। अब आप बेटा 50 से ऊपर वाले नंबर्स के स्क्वायर निकाल लेंगे। चलो अब मैं दे रहा हूं आपको 50 से नीचे वाले नंबर, उनको कैसे सोचना है। आइए जैसे मैंने ये यहाँ पे लिखा ही है आपके सामने, 44 जो है, जैसे 44 का स्क्वायर निकालना है, नजर आ रहा है आपको 44 का स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले देखना है 50 से कितना कम है, ये 6 कम है ना, तो 6 का स्क्वायर 36, वो 2 डिजिट पे लिखना ही लिखना है।
जितना कम है या जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर तो करना ही है, लास्ट के दो डिजिट आएंगे उससे, है ना। अब ये 6 कम है, तो कम है तो 25 में से माइनस करना है, 25 में से 6 माइनस करना है। तो 25 में से 6 अगर आप माइनस करो तो 19 आ जाएगा, 1936, 44 का स्क्वायर हो गया। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। 48 का स्क्वायर निकालते हैं, 48 50 से कितना कम है, 2, 2 का स्क्वायर 4, और दो डिजिट पे एडजस्ट करना है तो 04। और 25 में से कितना माइनस करना है बेटा, 2 माइनस करना है, 25 माइनस 2 कितना हुआ 23। तो कम है तो 25 में से माइनस करना है, ज्यादा है तो 25 में ऐड करना है जो 50 से ज्यादा वाले नंबर थे। बोलो आया समझ, एक और करके दिखाओ मुझे। 36 बताओगे, 36 का स्क्वायर। अब आपके माइंड में चल रहा होगा, सर ये 50 से तो 14 कम है। ठीक है, 14 कम है तो क्या हुआ, 14 का स्क्वायर 196, दो प्लेसेस पे 196 को 96 लिखेंगे। वन कैरी, कैरी हमेशा ही ऐड होता है, ध्यान रखना, कैरी हमेशा ही ऐड होता है। अब 25 में से 14 माइनस किया तो 11 आ गया, और वन कैरी ऐड भी करना है तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। 25 माइनस 14, 11 प्लस 1, 12। बोलो अब ये टेक्निक आपको समझ आ गई। सबसे पहले नंबर को देखना है 50 से जितना ज्यादा या कम है, जैसे 58 का स्क्वायर मैंने आपके सामने निकाला, 8 ज्यादा है, 8 का स्क्वायर 64, और 8 ज्यादा है तो 25 में वो 8 ऐड करना है, 33। कैरी कभी किसी क्वेश्चन में जनरेट हो तो कैरी तो हमेशा ही ऐड होता है। फिर मैंने 50 से कम वाले एग्जांपल लिए, जैसे 44 लिया, 50 से 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, ये लो 25 में से 6 गए 19। एक चीज खास ध्यान रखनी है, दो डिजिट से कम का नंबर है जैसे लास्ट के टू प्लेसेस के लिए तो साथ में जीरो लगा के एडजस्ट करना है, दो डिजिट से ज्यादा का नंबर है तो कैरी ले जाना है आगे, और दो डिजिट का तो यू का न्यू एडजस्ट हो जाएगा फिर तो लास्ट के दो प्लेसेस पे। अब मैं आपको कुछ नंबर्स दे रहा हूं, आपको उन नंबर्स का स्क्वायर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर और 68 का स्क्वायर। तो ये आपको स्क्वायर आप मैसेज कर देना, खासकर ये जो मैंने ट्रिक बताई है आपको, 50 से कम और 50 से ज्यादा को लेके और 25 से 75 के बीच में, 25 टू 75 के बीच में, बहुत ही इफेक्टिव ट्रिक है ये। 42 का स्क्वायर, इन नंबर्स के आपने स्क्वायर निकालने। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम थ्री डिजिट के स्क्वायर्स भी कैसे जल्दी जल्दी माइंड में निकाल सकते हैं, उस क्लास का आप इंतजार करना। तो हमारे चैनल का नाम है, दो चैनल हैं अब हमारे, एक तो है कमल हितेश बजाज एप्टीट्यूड, वो हमने काफी टाइम पहले शुरू किया था, एक हमारा एक नया चैनल है बेस द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, वो बच्चों के लिए शुरू किया हमने, ठीक है। दोनों ही चैनल हैं हमारे, एक चैनल 6 to 10th तक की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, और एक चैनल हमारा आफ्टर 12th जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।